कहाँ से ये सब आ जाता है? भाई साहब, प्रधान जी कहा है मुझे एक सिग्नेचर लेना है। अबे कहाँ से तुम्हें भाई दिखता हूँ? चल, 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 चल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे भाई कहा और इसी कारण से वो मुझे फेंक दिया। क्या आपको धंधाखोर मुझे लगता है ना? उसे धंधाखोर लगता है। तुम जैसे कमीनों के लिए पंचायत का बदनाम होता है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कौन? मैं रोमान बोल रहा हूँ। रोमान बोल रहे, क्या बात है बोलिए। प्रधान साहब, मैंने आपके पंचायत के लिए 1000 बस्ता चावल भेज दिया, तुम देख लो। हर परिवार को एक बस्ता करके दे देना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम सही से दे देंगे। ठीक है, ठीक है। अब्बास, हमारे पंचायत में हर परिवार के लिए 1000 बस्ता चावल भेजा है, तो हर परिवार को एक एक करके बस्ता दे देना। ठीक है, हर काम सही से करना, कोई चालाकी मत करना। अगर कोई चालाकी करे तो मुझे इन्फॉर्मेशन करना। ठीक है, ठीक है। कहाँ से ये सब आ जाता है? भाई साहब, प्रधान जी कहा है मुझे एक सिग्नेचर लेना है। अबे कहाँ से तुम्हें भाई दिखता हूँ? तेरी हालत देखी, मुझे भाई बोलता है। चल, 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 चल। क्या हुआ, तुमको गिरा दिया क्यों? मैंने आपके सिग्नेचर लेने के लिए यह आया था और आपके गार्ड मुझे गिरा दिए। ठीक है, मैं देखता हूँ किसलिए तुमको गिराया। इसको गिराया क्यों? क्या कसूर किया इसने? बोलते क्यों नहीं हो? ये तो कुछ बोलते नहीं है, तुम्हारा क्या कसूर था कि तुमको फेंक दिया, बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे भाई कहा और इसी कारण से वो मुझे फेंक दिया। प्रधान के साथ रहते हो और आम जनता के साथ अगर ऐसा हरकत करोगे तो आम जनता को क्या जवाब दोगे? सर, गलती हो गई, माफ कर दो। इतना बड़ा गलती करते हो, अब माफ कर दो, माफ कर दो। करने से पहले सोचना नहीं चाहिए, इस तरह हरकत नहीं करना चाहिए आम जनता के साथ। देखो बाबा, अगर हम लोग ऐसा करें तो देश कैसे चलेगा, तो इस तरह हरकत नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दो भाई बुरा मत मानना, आदमी से गलती हो जाता है, तो गलती कर दिया। ठीक है, प्रधान साहब, एक जरूरी काम था। क्या काम है बताओ ना। एक मिनट के लिए इधर आइए। अच्छा चलिए।
बताइए क्या बोलना है। प्रधान साहब, पंचायत में 1000 बस्ता मिनीकट चावल आया है। ये जानकारी तो पहले ही आ चुका है मेरे पास, फिर दोबारा क्या बोलना चाहते आप? पहले हाथ तो मिलाओ। क्यों मिलाओ ना? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अरे आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो क्या हुआ? अरे आपके फायदा के लिए बोल रहा हूँ। अरे इधर उधर बात घुमाओ मत, क्या बोलना चाहते हो बोलो सही से। देखिए मैं चावल का बिजनेसमैन हूँ, पंचायत में जो 1000 बस्ता मिनीकट चावल आया है वो मिनीकट चावल वो हमें भेज दीजिए और हम आपको 1000 बस्ता नॉर्मल चावल भेज देते हैं। इसमें हमारा क्या फायदा है? आपके फायदा 1000 बस्ता में 100 रुपया करे दे देंगे, 1 बस्ता में 100 रुपया तो 1000 बस्ता में 1 लाख रुपया आपका धंधा हो जाएगा। या आपको धंधा खोर मुझे लगता है ना, मुझे धंधा खोर लगता है, मुझे धंधा खोर लगता है। सब प्रधान धंधा करता है तो हमको भी धंधा खोर लगता है ना। तुम जैसे कमीनों के लिए पंचायत का बदनाम होता है। ठीक है मैं समझ गया, मैं वैसा ही समझा। वैसा ही मतलब? वैसा ही का मतलब पहले जो प्रधान था ना ऐसा ही हरकत करता था। उसका मतलब पहले जो प्रधान थे जनगण का माल खा लेते थे। समझ गया, मैं समझ गया। देखो भाई मैं तुमको एक बात समझा दूं, अगर आपके जेब से या आपके घर से 1000 या 1 लाख रुपया मैं चुरा लूं तो मरने के बाद कयामत के दिन आप मेरा कलर पकड़ेंगे कि मेरा 1 लाख रुपया दो आपने चुरा लिया। लेकिन पंचायत का माल जब हम चुरा लेंगे खा लेंगे तो कयामत के दिन 1000 आदमी मेरा कलर को पकड़ेंगे कि मेरा माल दो मेरा माल दो। तो उस टाइम सबका माल मैं कहाँ से लाऊं, सबका हिस्सा कहाँ से दूं? तो उस टाइम मेरा नेकी को हर एक आदमी ले लेगा। बात समझ में आए कि नहीं? इसीलिए मैं किसी आदमी का हक बर्बाद नहीं करता। अल्लाह मेरा मुकद्दर में जो रखा है वही मैं खाता हूँ। कोई दिन ना मिले ना खाऊं कोई बात नहीं, लेकिन किसी का हक खा जाऊं किसी का हक बर्बाद कर दूं ये मेरे लिए शुभ नहीं पाता। इसलिए मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ, शुद्ध रहता हूँ और ठीक रहता हूँ। और हर आदमी को यही मैं बताता हूँ कि किसी का हक बर्बाद ना करे, इसीलिए कि हक्कुल्लाही हक्कुल इबाद, अल्लाह का हक कोई अगर खा ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन जनगण का माल अगर कोई खा ले तो कोई माफ़ नहीं करे। जब तक उस आदमी के पास जाके माफ़ी ना मांगे और वो माफ़ ना कर दे तब तक वो माफ़ नहीं पाएगा। बात सही है कि नहीं? मुझे माफ़ करना, अल्लाह से दुआ करना। ठीक है, मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सही रखे ठीक रखे और जनगण के माल खाने से महफूज रखे, तकवा परहेजगारियत के साथ दुनिया में चले और इबादत बंदगी करे, दिल में अल्लाह का खौफ जन्माए तो आखिरत में नजात मिलेगा, इस दुनिया में भी नजात मिलेगा। तो ठीक रहिए, हम जाते हैं। ठीक है, ठीक है।